सो गुड नून टू ऑल ऑफ यू। हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में जो टॉपिक है हमारा वो है ऑपरेशंस ऑफ प्रेस वर्किंग या प्रेस वर्किंग की संक्रियाएं जो हैं। इसके पहले हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वर्किंग प्रिंसिपल, बेसिक कंपोनेंट्स, स्पेसिफिकेशंस एंड हाइट ऑफ प्रेस पावर प्रेस। प्रेस वर्किंग एयर पावर प्रेस, यू कैन राइट हियर इज पावर प्रेस। और इसके अलावा हमने फ्लाई प्रेस के बारे में भी पढ़ा था जो मैनुअली ऑपरेट होती है। इस क्लास को शुरू करने के पहले मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया था, उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा। जो भी अवेलेबल आपके पास लिटरेचर है उसमें आपने इस टॉपिक को देख लिया होगा और ये आपके समझ में आ गया होगा कि प्रेस वर्किंग ऑपरेशंस क्या है और जो ड्राइव मैकेनिज्म में यूज होता है वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेस वर्किंग क्या रहेगा। तो इस पर हम चलते हैं और देखते हैं। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं प्रेस वर्किंग ऑपरेशंस। प्रेस वर्किंग ऑपरेशंस में वीडियो हम बाद में देखेंगे, मेनली हम यहाँ पर देखें तो होगा क्या कि एक हमारा रहेगा डाई, एक रहेगा पंच और इसके बीच में क्या लगाएंगे हम शीट, राइट। तो ड्राइव मैकेनिज्म के थ्रू पंच नीचे आएगा और शीट को दबाता हुआ डाई के अंदर जाएगा। इस दौरान जो ऑपरेशंस होंगे बेसिकली उसमें जो ऑपरेशन होते हैं, एक तो होता है कटिंग, एक होता है नॉन कटिंग। यदि अपन बात करें, यदि शीट कट जाती है तो उसको अपन बोलते हैं शियरिंग। जैसे आप यहां पर देखेंगे, सबसे पहले शियरिंग में यहां पर मैं दिखा रहा हूं आपको, शियरिंग में क्या हो रहा है कि ये आपका डाई है, आधा पोर्शन बताया है, और ये आपका पंच है, इनके बीच में क्लियरेंस सी है, बीच में मेटल की शीट है। तो यह भी पंच नीचे की ओर आएगा फोर्स के साथ, तो आप देख रहे हैं यहां पर क्या होगा, फ्रैक्चर होगा और ये पीस जो है आपका बाहर निकल जाएगा, यानी कटिंग हो जाएगा। तो कटिंग के बाद यदि हम देखें तो शियरिंग में आप बहुत सारे ऑपरेशन है जिसमें कि मेटल रिमूव होता है, कट होता है। तो इसमें शियरिंग के 6-7-8 हैं, अपन वन बाय वन देखते हैं। उसमें सबसे पहला है पायरसिंग। पायरसिंग की बात करें तो हम पायरसिंग बोलते हैं जिसे कान में छेद करते हैं ना अपन, पायरसिंग अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में अपन बात करें तो छेद करने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं अपन पायरसिंग। मतलब एक शीट है, शीट में अपन होल कर दें तो विद द हेल्प ऑफ पंच और डाई, इनकी मदद से अपन कर दें तो इसको क्या बोलेंगे अपन, पायरसिंग। मतलब इसमें हम जो इंटरेस्टेड है वो किस चीज में है, होल में। अब यदि यही होल सर्कुलर हो जाए, पायरसिंग इन जनरल बात हो रही है, जैसे अपन देखें कि हमको जो हमारी व्हीकल है उसमें हेडलाइट लगाना है। हेडलाइट आपकी, आपने देखा चौकोर, रेक्टेंगल या ट्रेपेजॉइडल होती है, आजकल डिजाइनर भी आती है। उसके लिए आप शीट को कट करेंगे, तो शीट को कट करने के बाद उसमें होल बनाएंगे, जो होल होगा वो क्या कहलाएगा आपका, पायरसिंग। होल का मतलब यहां पर गोल गोल ही नहीं होता, लेकिन यदि ये होल सर्कुलर हो जाए तो फिर इसी को हम पंचिंग बोलेंगे। तो बहुत माइनर डिफरेंस है पायरसिंग और पंचिंग में। पार्सिंग मतलब किसी भी तरह के शेप का होल बनाना, जबकि पंचिंग का मतलब है सिंपली, ये किस तरह से होता है पंचिंग, इट इज द सिमिलर टू पार्सिंग, पार्सिंग ही है, लेकिन इसमें जो होल मिलता है वो हमको क्या मिलता है, सिलेंड्रिकल होल, ये होल मिलता है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, पंचिंग और पार्सिंग दोनों में हमारा जो पार्ट रहेगा वो ये वाला रहेगा जिसमें होल किया है, वो वाली शीट रहेगी, और जो मेटल बाहर निकल जाएगा कट होकर के वो हमारा स्क्रेप या स्लग कहलाएगा। तो ये हमारा स्क्रेप हो गया, ये हमारे काम का नहीं है, इसमें हमारे काम का यही है। इसमें आप देखिएगा शेयरिंग में दो पोर्शन, दो चीजें होती हैं। एक ये कि या तो हमारे ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है जो निकल कर अलग हुआ है, या जो कट करके बचा हुआ है वो वाला अलग। तो यहां पर पार्सिंग और पंचिंग दोनों में ही हम एक होल बनाते हैं। होल यदि सर्कुलर हुआ तो वो पंचिंग कहलाएगा, और होल यदि किसी और शेप का हुआ, ट्रायंगुलर, ट्रेपेजॉइडल या आप बोले आयताकार या फिर त्रिभुजाकार, वो क्या कहलाएगा अपना, पायरसिंग। जस्ट एक होल करना।
इसमें आप गौर करना खास चीज पर कि ये वाला हिस्सा हमारा पार्ट है यूज में आने वाला, ये बॉडी है यहाँ पर हम हेडलाइट लगाएंगे यदि गोल है तो, जबकि ये वाला हिस्सा हमारा बेकार हो गया या स्क्रेप हो गया या इसको अपन स्लैग बोलेंगे। तो मेरे ख्याल से अब पंचिंग और पार्सिंग दोनों में कोई अंतर नहीं है, पंचिंग में सर्कुलर होल होगा जबकि पार्सिंग में जो होगा वो क्या होगा आपका अदर देन सर्कुलर होल। अब यदि ये वाला पोर्शन मेरे काम का हो जाए, कौन सा वाला, ये मैंने काटा शेयरिंग ही हो रहा है, ये वाला हिस्सा मैंने काटा ये बाहर निकल गया, ये मेरे काम का है, तो इसको बोलते हैं ब्लैंकिंग। मतलब ब्लैंकिंग और पंचिंग या पार्सिंग एक दूसरे के रिवर्स हो गए, इस सेंस में कि कटा हुआ हिस्सा इसमें काम का रहेगा जबकि पार्सिंग और पंचिंग में कटा हुआ हिस्सा आपका अलग था, मतलब स्क्रिप्ट था, और जो कटने के बाद जो शीट बच रही है वो हमारी स्क्रिप्ट होगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इसमें देखें पार्सिंग ब्लैंकिंग और पंचिंग में, मेरे ख्याल से अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तीन पढ़े अभी तक हमने, बेसिकली दो ही बात करो, पंचिंग और पार्सिंग को एक साथ रखो और ब्लैंकिंग को एक तरफ रखो। पंचिंग और पार्सिंग में जो हमारा कटा हुआ हिस्सा होता है, पंचिंग और पार्सिंग में कटा हुआ हिस्सा मतलब ये कट के जो बाहर निकला है वो स्लग है, और कटा हुआ हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, जबकि ब्लैंकिंग में जो कट के बाहर आया है वो हमारा प्रोडक्ट होगा, और जो शीट के बाद जो बच जाएगी शीट जिसमें होल करते जाएंगे हम नंबर ऑफ, वो क्या कहलाएगा हमारा स्क्रिप्ट या स्लग। तो ये बहुत ही बेसिक तीन है शेयरिंग के, शेयरिंग मतलब जिसमें हम कटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा हम कुछ डिफरेंट शेप भी कट करते हैं, जैसे कि आप देखें यहाँ पर कि ये वाला शेप मेरा कट हो रहा है, यहाँ पर देखें आप कि शेप जो कट हो रहा है उस पर बात करें कि इस शेप में जो कट होता जा रहा है, आप देखिए इस शेप को कट करने का तरीका ये है कि एक अपन ने टेम्पलेट बनाया, ये डाई में ये बनाया और एक हिस्सा ये बनाया और इसको हमने सीक्वेंस से बनाया, तो एक हिस्सा ये बन जाएगा, एक हिस्सा ये बन जाएगा, तीसरा हिस्सा ये बन जाएगा, चौथा हिस्सा ये बन जाएगा। मतलब कटिंग लाइंस और इसके बीच में आप कटिंग आप में देखेंगे कि कोई भी आपको स्क्रैप नहीं मिलेगा, एक पीस सेकंड पीस दूसरा तीसरा चौथा, तो ये अपोजिट फेसेस जो है सीक्वेंस से बनते जाएंगे, इसको बोलेंगे हम कटिंग ऑफ। वही पार्टिंग जो रहेगा ना उसमें कुछ स्क्रैप निकलेगा। ये देखिए आप पार्टिंग में क्या हो रहा है, मान लीजिए मुझे डंबल शेप चाहिए, तो डंबल शेप के लिए ये कटिंग लाइन रहेंगी आपकी, और बीच का हिस्सा ये जो दिख रहा है आपको, ये जिसमें कि थ्रोट टाइप का बना हुआ है, ये हमारा स्क्रैप होगा। मतलब कटिंग ऑफ में कोई भी स्क्रैप नहीं होता जबकि पार्टिंग में हमारा स्क्रैप निकलता है। तो आपने ये देखा, तो अभी तक हमने पांच ऑपरेशन देखे हैं, पार्सिंग पंचिंग दोनों होल बनाने के, ब्लैंकिंग होल को हटा करके जो होल को हट करके जो पीस मिल रहा है हमको वो हमारा प्रोडक्ट है, इसमें भी कटने के बाद जो मिल रहा है ब्लैंकिंग टाइप ही है प्रोडक्ट हमको जो मिल रहा है वो है, इसमें भी कटने के बाद ही हमको मिल रहा है प्रोडक्ट है, और बीच का हिस्सा जो है पार्टिंग में स्क्रिप्ट में जाएगा जबकि कटिंग ऑफ में कोई भी स्क्रिप्ट नहीं जाएगा बल्कि अल्टरनेट वो एक जैसे शेप आपको मिल जाएंगे। तो पार्टिंग के बाद हम आते हैं, यही कटिंग में अपन बात कर रहे हैं, परफोरेटिंग। परफोरेटिंग की हम बात करें तो आपने छन्नी देखी होगी, छन्नी जो है छन्नी वायर के मेस से बनाई जाती है, उसमें बहुत सारे होल होते हैं, लेकिन हम शीट पर इस तरह के होल बनाते जाएं वन बाय वन इतने तरह के, तो ये परफोरेशन कहलाता है। इसका उपयोग कहाँ पर है आपने देखा होगा कि पानी को छानने के लिए या हवा को निकालने के लिए, ये बेसिकली लाइट चाहिए हमें, प्रकाश चाहिए या गैस निकालना है या फ्लूड निकालना हो, वहां पर हमें शीट में बना करके होल करके और बीच में रख देंगे तो जो होल होंगे उसमें से हमारा पानी लाइट या हवा आती जाएगी। यूजली समटाइम्स इसको हम डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, बट साइमल्टेनियस पंचिंग ऑफ पैटर्न ऑफ होल्स, या यहाँ पर जो बताएं ये सर्कुलर है बट इनका शेप अलग अलग हो सकता है, दैट डिपेंड्स कि आपकी आवश्यकता क्या है। नोचिंग की बात करें तो नोचिंग में हम पर्टिकुलर इस तरह के शेप निकालना चाहते हैं, जैसे ये वाला शेप जो है बच गया हमारा, ये बाकी का बचा हुआ क्या हो गया स्क्रिप, यहाँ पर कौन सा हो गया आपका रेक्टेंगल शेप, तो इस तरह से हम कॉर्नर से, मतलब ये पूरी शीट है अपनी, इसके कॉर्नर से हम किसी पीस को निकाल दें तो वो नोचिंग कहलाएगा। नोचिंग मतलब पाड़ के खींचना, तो ये हमारा नोचिंग ऑपरेशन है। इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप्स ले रहे हैं, प्रेस बॉडी में होता है। अब लांसिंग की बात करें, लांसिंग में क्या होता है कि हम यहाँ पर कट तो करते हैं लेकिन उसको आप देखिए इसमें हम तीन तरफ से कट कर रहे हैं, चौथा तो ऑलरेडी एज है ही अपनी, तो तीन तरफ से कट कर रहे हैं, जबकि लांसिंग में हम दो तरफ से कट करेंगे और यहां से बेंड कर देंगे,
तो इसमें मेटल रिमूव कुछ भी नहीं होता, स्क्रैप कुछ भी नहीं मिलता है, बल्कि इसका यूज कहाँ होगा, यदि आपने देखा होगा एयर कंडीशनर की जो डक्ट होती है माल वगैरह में, वहां पर एक जाली टाइप की लगी होती है, उस जाली में यही होता है कि यहाँ पर ये बैंड होगा और यहाँ से खुल करके क्या हो जाएगा ये, कि यहाँ से आपकी हवा बाहर आ जाएगी, तो ये कहलाता हमारा लालसे। तो इनाल पहला ऑपरेशन जो था जिसमें कि हम कट करके मेटल को निकाल रहे हैं, या मेटल वही है बट कट कर रहे हैं हम, उसको बोलते हैं हम शियरिंग। शियरिंग हमने टोटल 8 ऑपरेशन देखे हैं अभी। पहला था हमारा पंचिंग और पायरसिंग, दोनों साथ में ले रहा हूं क्योंकि इसमें हम होल बनाते हैं और जो होल शीट में बन जाता है, जैसे ये वाली शीट दिख रही है, ये हमारे काम की रहती है, और जो होल के बाद जो पीसेस बाहर निकलते हैं वो स्क्रैप होता है। इसके बाद हमारा आता है, मतलब आप परफोरेटिंग को भी ले लो इसी में, जबकि आप इसमें देखें ब्लैंकिंग में, ब्लैंकिंग में जो है हमारा पीस बाहर होता है, मतलब पीस काम का रहता है, और शीट जो निकल करके बाहर जाती है वो हमारी स्क्रैप होती है। नोचिंग, कॉर्नर से डिजायर्ड शेप को निकालना नोचिंग होता है, जबकि ये हमारा लांसिंग है। लांसिंग मतलब आप इसको कटेंगे, काटेंगे लेकिन इसके बाद उसको बेंड कर देंगे, कटे हुए पोर्शन को यहाँ पे बेंड, जिससे कि यहाँ से हवा वगैरह निकल सके। एयर कंडीशनर के जो डक्ट आप देखेंगे तो वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। इन सब में हम कट करते जा रहे हैं। अब हम कट नहीं करेंगे बल्कि नॉन कटिंग ऑपरेशन है जिसमें कि हम सिर्फ बेंड करेंगे। तो ये हमारी शीट है, नीचे वाली डाई है, ये हमारा पंच है। तो यहाँ से हम पंच को लाएंगे नीचे और आप देखेंगे इस तरीके से यहाँ पर ये बेंड हो गया, दैट इज 90 डिग्री बेंड। ये देखेंगे इसमें जो रहता है नीचे वाली एक्सिस जो रहेगी वो टेंसाइल स्ट्रेस रहेगी, जबकि ऊपर वाली जो रहेगी वो आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़े, ये सिंपल बेंडिंग थी। अब एंगुलर बेंडिंग एक अलग होती है। एंगुलर बेंडिंग मतलब इसमें डाई और पंच के शेप कुछ इस तरह के, ऊपर वाला पंच है, नीचे वाला डाई है, और इसमें के बीच में हम सीधी शीट रखे और दबाए तो आपको शीट कुछ इस तरह से बेंड की हुई मिल जाएगी। जैसे आप देखेंगे कि पानी के लिए जो अपन नालीदार चादरें वगैरह बनाते हैं वो आप देखेंगे इस प्रकार से आपकी निकल जाएगी। तो ये बेंडिंग में दो थे, सिंपल या एंगुलर। इसके बाद हम आएंगे आगे, बेंडिंग के बाद हम देखेंगे ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब ये हुआ कि इसमें भी आप देखेंगे कोई भी पीस कट के स्क्रैप में नहीं जाएगा, ये पूरी पूरी शीट है, और पंच को जब हम दबाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कप जैसा बन जाएगा। तो इसको ड्राइंग या कपिंग ऑपरेशन भी कहा जाता है, कप बनाने का, कपिंग या ड्राइंग। आप इसमें लंबे लंबे भी बना सकते हैं। तो ये यहां पर देखिए आप कोई कटिंग नहीं हो रही है, केवल वो शेप आता जा रहा है, दिस इज कॉल्ड अवर कपिंग। स्क्वीजिंग, आप स्क्वीजिंग को समझ सकते हैं कि दबा करके किसी चीज को निकालते हैं, जैसे टूथपेस्ट को स्क्वीज करके अपन निकालते हैं, एक समझाने के लिए है। बट यहां पर आप देखेंगे कि क्वाइनिंग, क्वाइनिंग आपने सिक्के देखे होंगे, सिक्के का मतलब क्वाइन, और क्वाइन या मेटल, मेटल जो होते हैं उनमें क्या होता है, कुछ उभरे हिस्से होते हैं, कुछ दबे हुए हिस्से होते हैं। तो हमारी जो डाई होती है उसमें कुछ उभरे हुए हिस्से होते हैं, कुछ दबे हुए। लाइकवाइज पंच में इसके जस्ट रिवर्स, जो यहाँ पर दबे हुए होंगे वो इसमें उठे हुए रहेंगे। इसके बीच में हम शीट को रखेंगे और जब दबाएंगे तो हमारा सिक्का बन करके तैयार हो जाएगा, सिक्के का जो आ जाएगा, तो ये क्वाइनिंग कहलाती है। या मेडल्स जो आप देखते हैं, क्वाइनिंग या मेडल्स वगैरह जो बनते हैं या ऑर्नामेंटल पार्ट्स बनते हैं, ये क्वाइनिंग या स्क्वीजिंग कहलाता है, प्रेस वर्किंग से बनते हैं। इसके बाद एम्बोसिंग, यदि आपने देखा होगा कि अपनी बॉडी पर कहीं कहीं पर आप देखें, हाथ लगा के देखें बॉडी पर, जैसे उसका नाम लिखा है या मॉडल लिखा है, जैसे कि कार वगैरह में तो ऊपर से चिपकाते हैं, लेकिन कई बॉडी आप टाटा वगैरह के देखें उसमें लिखा रहता है टाटा, तो TATA जो लिखा है वो कैसे किया है, एम्बोसिंग करके। इसमें कोई मेटल रिमूवल नहीं होता, आप देखिए मेटल रिमूवल नहीं हो रहा है, लेकिन वो वाला पोर्शन जो है बाहर की तरफ उभर करके आ जाता है। जैसे ये यहाँ पर शीट है, यहाँ पर इसको दबाया तो ये उभरे हुए पोर्शन यहाँ पर आपको दिखने लगे, तो ये एम्बोसिंग कहलाती है। तो इस तरीके से ये हमारे जो थे वो वर्किंग ऑपरेशंस थे, इसमें हमने जो यूज करे हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो हमने इसमें चार तरीके के देखे अभी तक। एक देखा है शेयरिंग के कारण, शेयरिंग मतलब कट होगा श्योर है, उसमें 7-8 तरीके के देखे हैं। इसके बाद हमने देखा है शेयरिंग के बाद हमने ड्राइंग, ड्राइंग जिसमें कि कप शेप बनता जाएगा आपका, फिर स्क्वीजिंग जिसमें हमने क्वाइनिंग और एम्बोसिंग देखी है, और एक और हमने देखा था। तो इस तरीके से हम देखें यहाँ पर, तो अच्छा है रोल नंबर आते जा रहे हैं, हाँ रोल नंबर डालते जाइएगा आप चैट में, जो जो लोग आते जा रहे हैं मैं बाद में अटेंडेंस ले लूंगा। अब हम इन ऑपरेशन को जो हमने देखे हैं अभी तक मैंने पढ़े हैं, जो एग्जाम में इसी तरीके से आपको लिखना है,
लेकिन हम उनको लाइव देखें कि ये कैसे दिखते हैं ऑपरेशन, जब ऑपरेशन किया जाता है तो उसमें किस तरीके के ऑपरेशन दिखते हैं, अब अपन इस पे बात करते हैं। तो अब आप देखिएगा, मैं यहाँ पर आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ एनिमेशन के थ्रू, कि इसमें देखिएगा अब ऑपरेशन ऑलमोस्ट वही समवट मोर और लेस, कुछ कम या ज्यादा हो सकते हैं, बट ऑपरेशन आपको वही मिलेंगे। तो उसमें देखिएगा, जैसे इसमें भी ये बताया गया है आपका कि फोल्ड करने के लिए है, ये फोल्डिंग बार का उपयोग कर रहे हैं। फोल्डिंग बार के उपयोग में आप देखेंगे कि डाई और पंच नहीं है, ये मैनुअली तरीका बताया है कि यदि किसी शीट को बेंड करना हो तो इस तरीके से फोल्डिंग बार का आप उपयोग करेंगे। इस फोल्डिंग बार के बीच में अब हम यहाँ पर देख रहे हैं थोड़ा सा बफरिंग चल रहा है, तो इसमें अभी आप इसमें देखेंगे कि इस बार को हम इसके बीच में ये पीस लगा देंगे, तो शीट हमको बेंड करना है वो लगा देंगे और इसको बेंच वाइस में यहाँ पर टाइट कर देंगे, और फिर ये जो पीस निकला हुआ है ये हमारी फोल्डिंग बार थी हार्डन मेटल गियर, इसको हम यहाँ पे हैमर से मारेंगे तो ये यहाँ पर बेंड हो जाएगा। अभी बफरिंग चल रहा है, देखता हूँ। तो ये हमारा फोल्डिंग, यहाँ पर हम मशीन के थ्रू नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप देखेंगे कि ये कैसे हो रहा है आपका मैनुअली। यस, ये देखिए अभी चालू हो गया, ये आपने फोल्डिंग बार में पीस को रखा, शीट को रखा, आपने इसको बेंच वाइज पे टाइट किया, अब ये ऊपर ऊपर नीचे नहीं जा सकती है सीट, और अब हम ऊपर के हिस्से को हैमर से मारेंगे तो ये वाली शीट जो है वो आपकी बेंड हो जाएगी। ये हमारा मैनुअल तरीका है जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे, यस ये देखिए आप, ये मैलेट जो अपन यूज कर रहे हैं, लकड़ी के जो हैमर को मैलेट बोलते हैं अपन, तो अपन ने इसको इस तरीके से मारा, ये बेंडिंग, वहां पर हम डाई और पंच की मदद से बेंडिंग, हाँ फोर्थ नंबर इज द बेंडिंग, ये सिंपल बेंडिंग है जो कि आपने की है, बट आगे हम जो ऑपरेशन देखेंगे वो सब हमारी मशीन पर देखेंगे। इसमें आप एक और चीज देखेंगे, सीट के ऊपर एक स्लिटर प्लेट आती है, वो देखें ड्राइंग में क्या होता था, आपको याद करिए रिमेम्बर, एक कप जैसा बनता था, तो यहाँ पर ये जो ऑपरेशन है देखिए आपको कप बना के बताएगा, ये यहाँ पर ये शुरू हो रहा है, ये अपना ब्लैंक है डाई, और ये अपना बोस्टर प्लेट, देखिए आप ये बोस्टर प्लेट कल जो हमने पढ़ी थी, ये बेस के ऊपर रखी हुई है बोस्टर प्लेट, इसके ऊपर है अपनी डाई, डाई का ब्लैंक है, अब इसके ऊपर हम शीट रखेंगे और शीट के बाद ऊपर से पंच आएगा। इसमें देखिए ड्राइंग मतलब कप बनेगा, मेटल रिमूव नहीं होगा कुछ भी, जो फ्लैट शीट है वो कप के फॉर्म में आ जाएगी, फ्लैट पीस इनटू अ कप, इसको कपिंग भी बोलते हैं या ड्राइंग। ड्राइंग हमारी वो लिखने वाली वही है जो हम एमडी या इंजीनियरिंग ड्राइंग बोलते हैं, स्पेलिंग वही है ड्राइंग। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर हो रहा है, अब ये देखिए ब्लैंक होल्डर, ब्लैंक होल्डर मतलब शीट को होल्ड करने वाला, शीट को हमने यहाँ पर होल्ड किया, ऑफ कोर्स शीट जो रहेगी वो बिल्कुल कैलकुलेटेड साइज की रहेगी। ये देखिए पंच आपका आ रहा है, ब्लैंक होल्डर ने शीट को पकड़ा हुआ है, अब आपका जो ऊपर से प्रेशर आ रहा है पंच के थ्रू, और आप देखेंगे कि अब ये जो शीट है आपकी, वो शीट जो है आपकी कप का शेप ले लेगी। ये देख लिया, नेक्स्ट वन इज पंचिंग, कप का शेप नहीं बताया उन्होंने, ये देखिए थोड़ा सा और करने जाऊंगा, ये आगे पीछे करने में लाइव शेयरिंग में थोड़ा सा वो, यही तो ऑपरेशन दिखाना था। ये देखिए यहाँ पर प्रेस हुआ इस तरीके से, लाइव एनिमेशन देखने से हमको ये क्लियर हो जाता है कि हाँ कब बना था, तो इस ऑपरेशन को बोलेंगे हम ड्राइंग, उसमें फिर हम ऑपरेशन में लिख भी सकते हैं क्या क्या होता है, तो इस तरीके से ये मदद मिल जाती है हमको। वहाँ नेट का ही इशू है, टेक्निकल कनेक्टेड तो है, यस
फ्लैग पीस का ये कब बन करके आपका बाहर आ गया। अब इसके बाद जो ऑपरेशन आ रहा है हमारा, वो नेक्स्ट कौन सा आ रहा है आपका, देखते हैं अपन। पंचिंग, पंचिंग मतलब होल बनेगा। होल कौन सा बनेगा? सर्कुलर होल, ठीक है। पंचिंग मतलब सर्कुलर होल बनेगा। इसको शेयर करने में ये एक इश्यू हो जाता है कि तो मैं कुछ छोटा करके शायद जल्दी हुई है, जल्दी जल्दी अपन ऑपरेट कर लेते हैं। ये पंचिंग, यहाँ पर पंचिंग में आप देखेंगे कि अब ये यहाँ पर ये आया, नीचे आपकी डाई रखी हुई है, ये पंच है। देन इसके बाद स्ट्रिपर प्लेट, ये स्ट्रिपर प्लेट जो कि जो प्लेट रखी हुई है हमारी शीट उसको सपोर्ट देती है, स्प्रिंग लोडेड होती है। ये एक नई टर्म अपन पढ़ रहे हैं, गाइड पोस्ट जो रैम को गाइड करते हैं, रैम सीधा चले वही है। उसके बाद ये आपकी डाई है, अब इसके बीच में क्या आएगी आपकी शीट, तो उस शीट को जो सपोर्ट देगी स्ट्रिपर प्लेट देगी, दबा के रखेगी, और पंच जो है वो हमारा नीचे की तरफ आएगा। जब पंच नीचे की तरफ आएगा तो स्प्रिंग दबेगी जिससे कि शीट जो है दबती जाएगी। यहां पर पंचिंग मतलब अब आप समझ जाएंगे कौन सा होल बनेगा, सर्कुलर। जबकि उसके अलावा कोई और शेप बनता होल में तो वो हमारा कहलाता पायर से। ये देखिए यहां पर रखा अपन ने पीस को, उसके बाद फिर आप देख रहे हैं ये पंच ऑपरेट होगा, ये पंच ऑपरेट हुआ, और उसके बाद डायरेक्टली पिक्चर ये देखिए, ये पंच ऑपरेट हुआ, ये कटा हुआ हिस्सा जो है ये आपका बाहर हो गया, और जो शीट है ये हमारे काम की है। इसमें खास चीज ये जो मैं बता रहा था, ये नेक्स्ट स्लाइड में वो यही बताएंगे कि ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा पार्ट कहलाएगा, और ये हमारा कहलाएगा स्लग, या उसको हमने क्या यूज किया था, स्क्रैप। दिस वन विल बी द स्क्रैप, और ये हमारा पार्ट कहलाएगा। ये पार्ट हो गया हमारा यूज वाला, और ये हमारा स्लग या स्क्रैप बोलेंगे। ब्लैंकिंग में क्या होता है, ये हमारा स्क्रैप हो जाता है और ये हमारा पार्ट हो जाता है, बस कटते हैं, होता यही है ब्लैंकिंग में। इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन आपका आ रहा है, मैं देख लेता हूं उसमें क्या आ रहा है। नेक्स्ट ऑपरेशन की बात कर लेते हैं अपन, दिस इज आई थिंक ये आपका वही है, आगे चलते हैं अपन। यस, ये दिस इज योर ब्लैंकिंग, आप देख रहे होंगे इसमें अभी कि कटने का तरीका सेम रहेगा, लेकिन ये वाला पोर्शन जो है आपका जो पहले पार्ट था अब स्क्रैप हो जाएगा, जबकि ये वाला ब्लैंक आपका जो कट के बाहर हुआ है वो आपका क्या हो जाएगा, पार्ट जो कि आप यूज करेंगे। ये था अपना ब्लैंकिंग। अब इसके बाद अपना आ रहा है, मैं इसको देख कर ही बता दूंगा आपको क्या है, देखिए नोचिंग। यहाँ पर अब नोचिंग जो कॉर्नर से जो डिफरेंट तरीके के आपके शेप बनते जाते हैं या पीसेस बनते जाते हैं वो आएंगे इसमें नोचिंग में। ये देखिएगा आप, डाई है, स्लेटर प्लेट लगी हुई है, पंच ऊपर से आएगा और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको शेप दे देगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये देखिए यहाँ पर, ये स्प्रिंग है, पंच है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं अपन, यहाँ पर डायरेक्ट आपको दिख जाएगा ये नोचिंग ऑपरेशन हो रहे हैं। यहाँ होल जो बन रहे हैं ये आपके डिपेंड करते हैं कि आपने कौन सा टूल यूज किया। देखिए यहाँ पर जो चमक रहा है हिस्सा
ये वाला हिस्सा जो है टूट से बना है, अभी सेकंड और लेगा थोड़ा सा चल जाए तो शेयरिंग में इसकी स्पीड कम हो जाती है एक्चुअली लाइव की वीडियो जो अपन चलाते हैं। ये देखिए दूसरा बन गया, ये तीसरा बनेगा। दिस इज द नोचिंग। नोचिंग के बाद हम देखें यहाँ पर तो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन जो आ रहा है उसको अपन देख लेते हैं वो कौन सा आ रहा है। नोचिंग के बाद है आपका यहाँ पर है आपका लांसिंग। लांसिंग में देखिएगा लांसिंग में क्या हो रहा है, कट करेगा और वहां पर बैंड कर देगा, उसको सेपरेट नहीं करेगा। चलिए भाई लांसिंग दिखाइए। यस ये दिस वन, ये पिक्चर देखिए आप, इसमें आपको देखिएगा ये वीडियोस जो है मेरे उसमें भी है, लिंक भी है तो आप उसमें भी डायरेक्ट देख सकते हैं ये ऑपरेशंस को किस तरीके से। देखिए आप ये यहाँ पर इसको कट करके और ये बैंड कर दिया, इसमें कोई भी मेटल रिमूव नहीं होता। इसके बाद फिर आएगा आपका यहाँ पर क्वाइनिंग। क्वाइनिंग को अपन सीधा यहाँ ले लेते हैं डायरेक्ट, जो क्वाइनिंग दिखा दे ये देखिए आप। इस क्वाइनिंग में आप देखेंगे कि जो क्वाइंस हैं या मेटल मेटल्स हैं मेडल्स हैं वो आपके बनेंगे सो लाइक दिस, और अंत में आपका हो जाएगा आप देखेंगे एम्बोसिंग। तो इस तरीके से इस वीडियो के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से होते हैं। इसके बाद फिर हम आते हैं आगे चल करके कि डाई कितने प्रकार की होती है। तो डाई टाइप्स ऑफ डाई में हम बात कर लेते हैं। डाई का क्लासिफिकेशन कई तरीके से किया है लेकिन जो हमारा इंटरेस्टेड पोर्शन है हम उसी पर बात करें। हमारा इंटरेस्ट जो है वो ड्राई मैकेनिज्म पर है, तो ड्राई मैकेनिज्म जो है हमारे उस पर बात करते हैं। तो ड्राई मैकेनिज्म में भी आपने देखा हमने कौन सा यूज किया था, क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, फ्लाई व्हील, तो उसको हम क्रैंक ड्राइव मैकेनिज्म कहते हैं। चलिए सो टाइप्स ऑफ डाई जो है वो हमारी है सिंपल, कंपाउंड, कॉम्बिनेशन या फॉलो प्रोग्रेसिव। सिंपल डाई अभी तक हम जो भी ऑपरेशन देख रहे थे वो सिंपल थे, एक डाई था एक पंच था और ये ऑपरेशन आपने देखा बेंडिंग, इट्स अ सिंपल डाई। कंपाउंड, कॉम्बिनेशन, फॉलो प्रोग्रेसिव। कंपाउंड को समझिएगा, कंपाउंड में कटिंग ऑपरेशन ही होंगे। कंपाउंड में क्या होंगे, दो या दो से ज्यादा कटिंग ऑपरेशन, जबकि कॉम्बिनेशन में कटिंग और नॉन कटिंग साथ होंगे। बड़के ऐसा लगता है कि कॉम्बिनेशन और कंपाउंड सेम ही चीज है। कंपाउंड मतलब कि दोनों ऑपरेशन कौन से होंगे आपके, कटिंग वाले। जैसे आप यहां पर देखें कि ये वाला जो डाई और पंच वाला सिस्टम है, एक हिस्सा ये यहां से कटेगा, एक हिस्सा यहां से कटेगा, दो तीसरा हिस्सा यहां से कटेगा, चौथा यहां से कटेगा और पांचवा यहां से। तो जो पीस बाहर निकल करके आ रहा है ये आपके क्या है, ब्लैंकिंग, और जबकि ये बीच वाला हिस्सा है ये क्या है आपका, यहाँ पर आप देखें पायरसिंग, ये पंचिंग अगर सर्कुलर है तो इस तरीके से आप देखें कि यहाँ पर एक से ज्यादा डाई है, पंच एक ही है बट डाई कंपाउंड है। इसमें दोनों ऑपरेशन जो हो रहे हैं वो क्या हो रहा है, कटिंग। इंपॉर्टेंट चीज है कि दोनों कटिंग ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन यदि हम ऐसा करें कि कटिंग के साथ नॉन कटिंग हो जाए तो वो कंपाउंड नहीं बल्कि कहलाएगा कॉम्बिनेशन। इसमें देखिएगा आप एक शीट है, इसमें यहां से जो बीच वाला हिस्सा है इसके अंदर जो आ रहा है ये आपका क्या है, कटिंग होकर के आ रहा है। मतलब कौन सा ऑपरेशन हो रहा है आपका, आप देखें यहाँ पर कि ये बीच वाला हिस्सा आपके काम का है, काम का है मतलब क्या हुआ, ये ब्लैंकिंग, ये वाला ब्लैंकिंग हो गया और इसके बाद इसको अपन ने यहां से दबाया तो ये क्या बन गया, कपिंग। मतलब कप करने के लिए आप या तो कैलकुलेटर शीट ले फिर दबाए तो कपिंग अकेला, लेकिन शीट हमारे पास एक ही हो तो पहले हमें कट करना पड़ेगा उसको साइज में, तो वो कहलाएगा हमारा ब्लैंकिंग और फिर इसके बाद ये कपिंग। तो ब्लैंकिंग जो है वो हमारा क्या है, आप देखेंगे यहाँ पर कटिंग ऑपरेशन है, जबकि कपिंग हमारा नॉन कटिंग है। तो कंपाउंड में दोनों कटिंग ऑपरेशन होंगे, कॉम्बिनेशन में कटिंग और नॉन कटिंग साथ साथ चलेंगे, सिंगल स्ट्रोक में ही हो जाएंगे। प्रोग्रेसिव डाई में आप देखिए अंतर क्या होगा, प्रोग्रेसिव में कटिंग नॉन कटिंग एक साथ हो सकते हैं बट इसमें जो टूल्स लगातार चलते रहेंगे और शीट जो है वो आगे की ओर बढ़ती जाएगी और यहाँ पर पीस बनते जाएंगे। जैसे आप इसमें देखें फिनिश पॉइंट जो आ रहा है, यहाँ पर पार्टिंग भी हो गई है, यहाँ पर पंचिंग हो गई है, यहाँ पर पार्सिंग स्क्वायर पंच या पंचिंग हो गई है, यहाँ पे एक नोच बना दी है सेमी नोच,
इस तरह से लगा था। तो यहाँ पर ये शीट आगे बढ़ती जा रही है, डिफरेंट टाइप के आपके पंच है, यहाँ पर डाई है, डाई लगातार लगी हुई है प्रोग्रेसिव, मतलब दो या दो से ज्यादा है। और यहाँ पर ये अपर शू जिसपे के बहुत सारे पंच लगे हुए हैं, लोअर शू जिसपे की बहुत सारी डाई लगी है। हम यहाँ पर शीट को मूव करते जाएंगे और रैम की मदद से जाएंगे। हेलो, सर आवाज ही नहीं आ रही है। हेलो, पर मैं बात कर रहा था आपसे टाइप्स ऑफ डाई की, और टाइप्स ऑफ डाई में आते हैं यहाँ पर, तो सिंपल डाई में एक पंच एक डाई बीच में शीट, और ये अपना हो गया बैंड। दूसरा था हमारा कंपाउंड। कंपाउंड की खासियत ये है कि दोनों ऑपरेशन, एक से ज्यादा ऑपरेशन जितने भी होंगे वो सब कटिंग वाले होंगे, मेटल कट होना चाहिए। कटिंग मतलब ब्लैंकिंग होगा या आपका पंचिंग होगा या बायसिंग होगा। यहाँ पर ये आपका कंपाउंड डाई का फिगर दिया है, ये आपका ऊपर वाला पंच है, स्टेपर प्लेट है, और ये नीचे।